हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ का जो साइंस का चैप्टर है मोशन, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर चैप्टर एट। इसमें हम लोग अभी लास्ट पार्ट देख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से निकाली जा सकती है वो हम इसमें देखेंगे। देखिए, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना, और एक है s इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक है हमारी 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कोई नहीं, अब हम आगे इनको ही किस तरीके से ग्राफ के थ्रू हम इसको प्रूफ करेंगे वो देखेंगे। और ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर बेस काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। तो पहला जो हम पहली इक्वेशन प्रूफ करेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो ये है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी, ये दोनों वेलोसिटी हैं और टाइम का क्या रिलेशन है ये हमें इस वाली इक्वेशन से पता लगता है। ये जो है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हमेशा वेलोसिटी जो है वो वाई एक्सिस पे होती है। देखिए, ये जो है ना, यहाँ पर हमारी वेलोसिटी हमेशा यहाँ पर वाई एक्सिस पर होती है और टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पर ही होता है। तो अब देख लेते हैं इक्वेशन। तो हम लोग ये देखिए, यहाँ पर हमने साइड में ले रखा है, इनिशियल वेलोसिटी को हम हमेशा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी देखिए ये रही, यहाँ पर ओ ए भी इनिशियल वेलोसिटी है, और फिर यहाँ पर देखिए सेम ही है ना, ये भी और ये चीज़ तो सेम ही होती है। तो ओ ए या फिर ए ओ आप कुछ भी कह सकते हैं इज इक्वल्स टू डी सी, क्योंकि दोनों की दोनों क्या हैं, ये दोनों की दोनों यू हैं। यू का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। बी सी, अब ये देखिए, ये जो पूरा है ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इनिशियल है, और यहाँ से पूरी ऊपर तक यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या है, बी सी जो है ये है v, ठीक हो गया, ये v हो गया हमारा। और ये वाला जो है कि कितना टाइम उसको लग रहा है, ये हो गया हमारा टाइम इंटरवल, ये है हमारा OC, ठीक है। अब ये देखिए ज़रा कि अगर हम लोगों को BD ये वाली चीज़ चाहिए हो, ये वाली, तो आप कैसे निकालेंगे। अगर आपको एक पूरी लाइन है, ठीक है, और आपको उस लाइन का सिर्फ इतने पाला पार्ट निकालना है, और आपको ये पता है कि ये क्या है, ये सपोज करिए 8 है और यहाँ से यहाँ तक का 4 है, तो आप ये निकाल लेंगे 8 माइनस 4 करके, तो आंसर 4 आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर आपको पता है ये ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा क्या है, v है, और ये इतना इतना क्या है, u है, तो आप ये वाला पार्ट निकाल लेंगे v माइनस u करके। सही बात हो गई हमारी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला पार्ट जो है, इसका आंसर क्या है, v माइनस u है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, अब जैसे कि हम लोगों को पता है कि ये जो v माइनस यू होता है, ये चेंज इन वेलोसिटी होता है। v माइनस यू होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में कितना बदलाव आ रहा है। तो ये होती है, u होती है इनिशियल वेलोसिटी और v होती है फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में कितना बदलाव आ रहा है वो ये होता है। अभी देखिए यहाँ पर यह क्या लिखा हुआ है, बी डी इज इक्वल्स टू बी सी माइनस सी डी। तो यही है कि b और ये वाला BD किसके इक्वल है, BC, पूरा का पूरा BC माइनस इस CD के, ठीक है। और फिर हम लोग BC की वैल्यू अगर निकालेंगे तो BD प्लस CD के इक्वल हो जाएगी, और BD प्लस CD किसके इक्वल है, BD प्लस OA। क्यों, क्योंकि जो ये CD है और जो OA है, ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं। अब देखिए, BC हम लोगों ने हमने ऊपर ही देख लिया था कि V है, और OA या फिर A हो क्या है, यू। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो सिंपल सा, अगर आप लोग को ये वाली चीज़ नहीं करनी है ना, ये चीज़ यूज़लेस है। अगर आप ना लिखेंगे ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना इससे। आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि वी माइनस यू जो है वो बी डी है, ठीक हो गया। और आपको ये सारे के सारे ये मेंशन करने पड़ेंगे, यहाँ से लेकर ये आपको पूरा बताना पड़ेगा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, और फिर उसके बाद टाइम इंटरवल क्या है। फिर उसके बाद ये वाला ग्राफ आपको पूरा का पूरा ड्रॉ करके बताना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना, वो इनिशियल वेलोसिटी से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो ऊपर जा रहा है, यहाँ से यहाँ गया, फिर वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो आपको उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है ना, ये चीज़ बताने। तो डिस्टेंस कवर ना उसका ये हो जाता है पूरा का पूरा, जब यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पहुँच रहा है ना, तो इस तरीके से वो डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस कवर उसका हो जाता है। और हम लोगों को इसी के लिए इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये लेबलिंग करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आप बता देंगे कि v माइनस यू जो है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होता है। और हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है, v माइनस यू है
ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को हम ए लेते हैं और टाइम को हम टी लेते हैं। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ गया, ये वाला ए इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वी माइनस यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, अब आप देखिए कि ये टी जो डिवाइड में है, अगर इक्वल टू से दूसरी तरफ जाता है तो ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ए इंटू टी और इधर क्या बचा, वी माइनस यू बचा, है ना। अभी जो माइनस का है ये इक्वल टू से दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है, प्लस का, तो ऐसे करके ये प्लस का हो गया। अब देखिए कि ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू था, अब हमने इस माइनस को इधर पहुँचा दिया, माइनस यू को, तो ए टी प्लस यू इज इक्वल्स टू वी, या फिर अगर हम बोलें तो वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, बहुत इजी है। आपको ये देखना है, पहले आपको ये डायग्राम बनाना है कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया तो ये यू हो गया, फिर ये इस तरीके से इसने ट्रैवल किया तो ये क्या हो गया, ये हमारा यहाँ तक ये पहुँच गया। तो यहाँ तक पहुँचा तो इसके लिए हम लोगों को पूरा का पूरा एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो इसको टाइम लगा होगा इतना जाने में, इसको इतना टाइम लगा होगा तो टी ले लिया, और पूरा जो ट्रैवल करा वो वी हो गया। तो ये यू था और पूरा वी था, तो बचा हुआ वी माइनस यू। और जो इस तरीके से वी माइनस यू होता है ना, वो होता है कि वेलोसिटी में कितना बदलाव आया है टाइम के साथ, तो वो होती है एक्सेलरेशन, कि टाइम के साथ कितना उसमें बदलाव आया है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप रखेंगे, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो टी को इधर पहुँचा देंगे, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, और फिर माइनस यू को इधर पहुंचा देंगे तो वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये थी। अब आती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन का और टाइम का रिलेशन क्या है, ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी बताइए, बताइए, वो थी वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है पोजीशन टाइम रिलेशन, की किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, उसका रिलेशन क्या होगा। तो अब देखिए हम लोगों को कंसीडर करना है, लेट अस कंसीडर द ऑब्जेक्ट हैज़ ट्रेवल डिस्टेंस एस। ऑब्जेक्ट ने एस डिस्टेंस कवर किया है टाइम टी में, और उसको एक्सेलरेशन लगी है एस, सॉरी ए एक्सेलरेशन उसको लगी है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है ना, ये हमें जो येल्लो वाला है ना, येल्लो येल्लो पार्ट, यहाँ से फिर यहाँ गया। ठीक है, तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है, ये हमें यहाँ से पता लग जाएगा, और यही हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसी से निकलती है। तो जैसे पहले वाले में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ से यहाँ तक जाने में u, तो फिर अगर यहाँ से यहाँ तक u है तो ये वाला भी u, और टाइम कितना लगा, ये t, और ये टोटल टोटल v है, तो ये जो बचा हुआ है ये क्या हो जाएगा, v माइनस u ही तो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला u था, टोटल v था, तो बचा हुआ v माइनस u हो जाता है। ठीक है, और इसमें हम लोग पिछले वाली इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि v माइनस u इज इक्वल्स टू ए टी, हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी ना, v माइनस u इज इक्वल्स टू ए टी। अब इसका इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। तो वही पहले की तरह डिस्टेंस को s मान लिया, टाइम को t मान लिया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को a मान लिया, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट वो ये होगा। ठीक है, अब आप देखिए ये टोटल तो हमारा क्या बन रहा है, ट्रपीजियम बन रहा है ना, टोटल ट्रपीजियम बन रहा है। बट इस ट्रपीजियम के अंदर देखिए ना, एक तो ट्राइंगल बन रहा है ना, और एक बन रहा है रेक्टेंगल। एक ट्राइंगल बना और एक रेक्टेंगल बना, है ना। तो ट्राइंगल क्या होता है, ए बी डी ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ, है ना, बेस। बेस क्या होता है, नीचे वाला, हाफ बेस ए डी इंटू हाइट, हाइट होती है ऊपर वाली। ठीक है, हाफ ए डी इंटू बी डी। ए डी की, ए डी क्या है, ए डी तो टी है, और बी डी हम लोगों ने क्या निकाला, वी माइनस यू। वी माइनस यू जो है वो बी डी की वैल्यू है, तो हम लोग इसी तरीके से पुट कर देंगे। तो एस जो है वो एरिया ऑफ ओ ए बी सी है, मतलब ट्रपीजियम है। फिर एरिया ऑफ ए बी डी, वो जो ट्राइंगल था वो हमने देख लिया था, है ना। और एरिया ऑफ ट्राइंगल तो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया नीचे वाला क्या है, नीचे वाला रेक्टेंगल है। जब हम रेक्टेंगल को और ट्राइंगल को प्लस कर देंगे तो हमारा एक बड़ा ट्रपीजियम बन जाएगा, क्योंकि ये देखिए पहले हमने रेक्टेंगल बनाया फिर ट्राइंगल बनाया, तो टोटल क्या बन गया, ये पूरा का पूरा ट्रेपीजियम बन गया। ठीक हो गया, तो पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारा निकल आता है। तो हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा दिया, ठीक है, और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ
ये ओ सी है तो यानी कि टी है, और जो ब्रेथ है वो डी सी है यानी कि यू है, तो यू टी हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, हाफ यू टी यू और टी, और ए डी क्या था, टी था, और बी डी क्या था, ए टी था। ए टी कैसे, अब ये देखिए ज़रा, ए डी क्या था, टी था, है ना, बेस टी था, और बी डी क्या था, वी माइनस यू था, मगर हमने यहाँ पर देख लिया कि वी माइनस यू किसके इक्वल होता है, ए टी के इक्वल होता है। कैसे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना, या फिर हम यू को इधर ले जाएंगे तो वी माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, हमने इससे पहले जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही तो देखा है ये वाली चीज़, है ना। तो हम लोग वी माइनस यू की जगह ए टी रख सकते हैं, तो हम लोगों ने ऐसा ही किया, हमने क्या किया, वी माइनस यू की जगह हमने ए टी रख दिया, तो ये क्या हो गया, हाफ टी टी, दो बार टी था ना, तो दो बार टी था तो टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, दो बार टी था तो टी स्क्वायर, ये यू टी था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये था हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, तो ये हो जाएगा, यू टी को हम आगे लिखते जाए लिख देते हैं, तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है, एस है यहाँ पर हमारा डिस्टेंस, ठीक हो गया, और ये हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ कैसे आया भाई, हाफ सिंपल सी बात है, कहाँ से आया, हाफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, यहाँ से यू होती है इनिशियल वेलोसिटी, है ना, ए होता है एक्सेलरेशन एंड टी होता है टाइम। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, हमने क्या किया है, हम लोगों ने जो इक्वेशन बनाई है ये बनाई है इक्वेशन फॉर पोजिशन टाइम रिलेशन, पोजिशन टाइम रिलेशन की इक्वेशन है, इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फिर इधर जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है उसने पोजीशन टाइम का रिलेशन हमें बताना है, पोजीशन और टाइम का क्या रिलेशन होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी यू लेते हैं और फाइनल वेलोसिटी पूरी की पूरी वी, यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रैवल किया है इसने डिस्टेंस, टी हो जाएगा, तो ये भी यू हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब हमें पूरा का पूरा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आधा देखिए ये ट्रायंगल है और नीचे वाला रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल करके हम लोगों ने निकाल लिया, है ना, तो ये वाला क्या था, ये हमारा v माइनस यू था, v माइनस यू को हम ए टी भी लिख सकते हैं, ये हमारा u था, ये हमारा t था, तो हमारा रेक्टेंगल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यू टी हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया होता है l इंटू बी, ट्रायंगल का होता है हाफ बेस, बेस क्या है, नीचे वाला होता है t, और हाइट क्या है, हमने v माइनस यू थी और ए टी रख लिया, तो एक यू टी था और एक हाफ ए टी, t इंटू ए टी था, तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, हमने शॉर्ट में फिर से एक बार देख लिया। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, मतलब पोजीशन और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है, इसमें भी हम यही करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि हम लोगों को दिखाया गया था, तो इसमें भी हम लोगों को क्या देखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो उसमें हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है ऑब्जेक्ट ने उसको हम लोग एस ले लेंगे, टाइम कितना लगा है उसको टी ले लेंगे, और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम जो है वो हमने ए ले ली है, तो एरिया जो इनक्लोज्ड है ना उसको हम लोग ट्रेपेजियम को ले लेंगे। ठीक है, जो एरिया बना रहा है इसका हम लोग पूरा ट्रेपेजियम, इसका एरिया निकालेंगे, और किस शेप का है, ट्रेपेजियम शेप का। अब देखिए कि ये तो ट्रेपेजियम शेप का है, हम लोगों को यहाँ पर पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है, इससे पहले हम लोगों ने पोजीशन और टाइम का रिलेशन निकालना था, अब इसमें हमें वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है, तो हमें सिर्फ ये बाहर बाहर वाला लेना होगा क्योंकि हमें पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है। अब देखिए हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप लोगों को पता है ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, पैरेलल साइड्स जो होती हैं उसका हम सम करते हैं। ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये हमारा ट्रेपेजियम है, इसकी पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ये वाली है ना, पैरेलल साइड जो कभी मिलती नहीं है, ये है पैरेलल साइड्स, और जो पैरेलल साइड के बीच होती है ना, पैरेलल साइड के बीचों बीच जो होती है वो हाइट होती है, तो यानी कि हाइट इसकी हो गई इस ट्रेपेजियम की ये, और ये दोनों पैरेलल साइड हो गई। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं कि जो डिस्टेंस होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन टू। अब पैरेलल साइड्स की वैल्यू क्या क्या है, अभी देखिए एक पैरेलल साइड ये है और एक पैरेलल साइड ये है, इस पैरेलल साइड की वैल्यू ओ ए है, बट ओ ए क्या है, यू है, और ये क्या है, बी सी है, बट इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, वी है, ये वाली हाइट है, बट और हाइट की वैल्यू क्या है हमारी, टी है, तो ये सारी की सारी इक्वेशंस में हम पुट कर देते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो यू प्लस वी और इंटू हाइट, हाइट है टी, ठीक है, तो और अपॉन टू। ठीक है, यू टी इंटू टी, सॉरी यू प्लस वी इंटू टी, ये हो जाएगा,
ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। फिर हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम रिलेशन, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी यही दोनों हम सेकंड और थर्ड में इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग ए टी की जगह, यानी कि हम लोग ये जो टी है ना, ये वाला जो हमारे पास टी आ रहा है, इसकी जगह हम लोग ये लिख सकते हैं। देखिए क्या होता है, वी माइनस यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए टी होता है। अब इस टी को अगर हम यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लें तो वी माइनस यू अपॉन ए निकल के आएगी। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से हम ये वाली वैल्यू टी की वी माइनस यू अपॉन ए यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए हमने क्या करा, ये वाली फ्रॉम वेलोसिटी टाइम रिलेशन वी माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, तो टी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगी वी माइनस यू अपॉन ए। अब इस वैल्यू को हम लोग रख देंगे एस इज इक्वल्स टू यू प्लस वी इंटू टी अपॉन हाफ में। हम लोगों ने जो ये वाली इक्वेशन निकाली थी ना, देखिए ये वाली, यहाँ पे हम लोगों ने ये वाली इक्वेशन निकाली थी, अब हम इसमें टी की जगह ये रख देंगे वी माइनस यू अपॉन ए, ठीक है, ये पुट कर देंगे। तो हम लोगों ने इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे टी की वैल्यू ये रखी, टी की वैल्यू देखिए हमने ये रख दिया है। तो एस इज इक्वल्स टू यू प्लस वी, टी की जगह हम लोग रख देंगे v माइनस यू, ठीक है, t की जगह हम लोग क्या रख देंगे, v माइनस यू रख देंगे अपॉन टू, ठीक है। v हमने t की वैल्यू क्या निकाली थी, v माइनस यू अपॉन a, है ना, तो इसके नीचे a रख देंगे और a 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि नीचे 2 है, तो 2a हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को पता है, आप लोगों ने 8 क्लास में पढ़ा है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये देखिए ना आप, ये क्या बन रहा है, यू प्लस वी, है ना, या फिर आप इसको इजी करने के लिए वी प्लस यू रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे, यू प्लस वी करो या वी प्लस यू करो, थ्री प्लस टू करो या टू प्लस थ्री करो, आंसर फाइव ही आना है। तो वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू, तो आपको कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, वी प्लस यू और वी माइनस यू, ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर आप और थोड़ा टफ वे में या कैसे करके सिंपल वे में समझ लीजिए, वी की वी से मल्टीप्लाई होगी और वी की यू से होगी, तो वी की वी से होगी तो वी स्क्वायर, वी की यू से होगी तो माइनस वी यू, फिर इस यू की देखिए टफ ही हो रहा है, कोई फायदा नहीं है ऐसे, वी प्लस यू, यू प्लस वी और वी माइनस यू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन रहा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का, आप लोगों ने 8th क्लास में फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में ये फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, फॉर्मूला बन रहा है ये। तो इन दोनों की जगह वी माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे 2a बचा है, अभी 2a जो है ना ये अपॉन में है, इक्वल टू से दूसरी तरफ जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाती है। तो इसमें हमने क्या क्या किया ये देखिए, इसमें तो बहुत कुछ नहीं, सिंपल सा था, ये वाला था हमारा ट्रपीजियम, ट्रपीजियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का सम इनटू हाइट, तो पैरेलल साइड ये है यू है और वी है, हाइट टी है, फिर उसके बाद हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास ये आ गया एस इज, ये डिस्टेंस के इक्वल होता है सब कुछ, ठीक है। तो S इज इक्वल्स टू, या फिर आप एरिया कवर्ड कह सकते हैं, S इज इक्वल्स टू यू प्लस वी इंटू टी बाई टू। अब इस T की जगह आपको वैल्यू रख देनी है v माइनस यू अपॉन ए की, क्यों, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोगों ने ये निकाला है। फिर जब हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर रख दी है यहाँ पर, तो हमारे पास ये आ गया, और ये जो है ना ये फॉर्मूला है वी प्लस यू और v माइनस यू, तो ये जब वो होता है ना x प्लस वाई और x माइनस वाई, अगर आपका आता तो आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख देते थे, तो इसी तरीके से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख देंगे, फिर जो 2a है इसको इधर पहुंचा देंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास बन के आ जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। a एक्सेलरेशन है, s डिस्टेंस है, v फाइनल वेलोसिटी है और u इनिशियल वेलोसिटी है। अब हमारा चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो गया है, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।